जय माँ दुर्गा। प्रिय भक्तगणों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाए तो ये बहुत ही उत्तम माना जाता है। दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय हैं, जिन्हें 3 चरित्र यानी 3 खंडों में बांटा गया है। प्रथम खंड में, जिसमें मधु और कैटप की वध की कथा है। मध्यम खंड में सेना सहित महिषासुर के वध की कथा है। और उत्तम चरित्र में या खंड में शुंभ निशुंभ का वध और सूरत को मिले देवी के वरदान की कथा है। ऐसा माना जाता है कि हर अध्याय का पाठ करने का अलग अलग फल मिलता है, इसलिए आपकी जैसी मनोकामना है आप उसी अनुसार माँ दुर्गा सप्तशती के अध्याय का नियमित पाठ करें तो इससे माँ दुर्गा प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण करती हैं। पहला होता है प्रथम अध्याय। प्रथम अध्याय के नियमित पाठ करने से चिंताओं से, तनाव से मुक्ति मिलती है। दूसरा अध्याय का पाठ करने से कोर्ट कचेरी विवादों में विजय प्राप्त होती हैं। तीसरे अध्याय का पाठ करने से यदि आप जीवन में बहुत ज़्यादा शत्रुओं से, विरोधियों से परेशान हैं, आपके शत्रुओं ने आपका जीना दुश्वार किया हुआ है, तो आप तीसरे अध्याय का पाठ अवश्य ही करें। चतुर्थ अध्याय का पाठ करने से माँ दुर्गा की भक्ति और कृपा दृष्टि मिलती है। माता दुर्गा सभी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण करती हैं। पांचवा अध्याय का पाठ करने से माँ दुर्गा की असीम अनुकंपा प्राप्त होती हैं और भक्तों के सभी संकटों को माँ दुर्गा दूर करती हैं। छठे अध्याय का पाठ करने से भय, भूत प्रेत की बाधा, ऊपरी बाधा आदि से मुक्ति मिलती है। सातवें अध्याय का पाठ करने से विशेष मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस अध्याय में देवी द्वारा चंडमुंड के वध की कथा है। आठवां अध्याय का पाठ करने से आपको मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। प्रेम विवाह में आपको सफलताएं मिलती हैं और आपका वैवाहिक जीवन भी सुखी रहता है। इस अध्याय में रक्त बीज के वध की कथा है। नवे अध्याय का पाठ करने से संतान सुख प्राप्त होता है। इस अध्याय में निशुंभ के वध की कथा भी है। दसवें अध्याय का पाठ करने से रोग, शोक, शत्रुओं का नाश होता है और मनोकामना पूर्ति के लिए भी आप इस अध्याय का पाठ कर सकते हैं। ग्यारहवें अध्याय का पाठ करने से आपको नौकरी व्यापार में लाभ मिलता है और सुख शांति की प्राप्ति होती है। बारहवें अध्याय का पाठ करने से आपको मान सम्मान एवं सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। तेरहवें अध्याय का पाठ करने से माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है और माँ दुर्गा अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, उनके सभी संकटों को, दुखों को दूर करती हैं और सभी शत्रुओं से माँ दुर्गा अपने भक्तों की रक्षा भी करती हैं। प्रिय भक्तों, आज हमने आपको बताया दुर्गा सप्तशती के पाठ के बारे में, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और कमेंट्स में जय माँ दुर्गा अवश्य ही लिखें। धन्यवाद।